हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूँ। आजकल हमारे सबके दिमाग में एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन चल रहा है कि भारत में अवेलेबल कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से कौन सी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन वो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है इन कोलेबोरेशन विथ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका फ्रॉम यूके। और ये वैक्सीन एक चिंपांजी एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। मतलब हम चिंपांजी में जो पाए जाते हैं एडिनो वायरस, उसको इनएक्टिवेट करते हैं इतने लेवल तक कि जो अगर हम हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो रेप्लिकेट नहीं करते, ग्रो नहीं करते हैं और कोई नुकसान नहीं कर सकते हमारे बॉडी में। अब जो वो वायरस है उसके अंदर जो सार्स कोवी मतलब कोविड वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसको जीनेटिकली इंजीनियर करके उसमें डाला जाता है और दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में हम इंजेक्शन के तौर पर डालते हैं, वैक्सीनेशन के तौर पर। और उसके सामने जो एडिनो वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो स्पाइक प्रोटीन है उसके सामने हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, वो है कोविशील्ड। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन एक जो ब्रांड है जो भारत बायोटेक कंपनी इंडियन कंपनी है वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोलेबरेट करके वैक्सीन बना रही है। उसमें जो कोविड वायरस है उसका होल वायरस, उसकी स्ट्रेन जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे उन्होंने सप्लाई की है, तो वो उसको इनएक्टिवेट करते हैं बीटा प्रोपियोलेक्टोन करके एक पदार्थ होता है वो डाल के, इतना इनएक्टिवेट करते हैं कि वो डिजीज नहीं कर पाते अगर हमारे शरीर में वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसको इनएक्टिवेट करके हम एक वैक्सीन के तौर पर हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारा शरीर वो जो वायरस है इनएक्टिवेटेड उसके सामने, उसके सभी एंटीजन के सामने एंटीबॉडी बनाता है। तो डिफरेंस क्या है कि कोविशील्ड स्पाइक प्रोटीन के सामने एंटीबॉडी बनाता है जबकि कोवैक्सीन पूरे वायरस में जितने भी एंटीजन है उसके सबके सामने एंटीबॉडी बनाता है। तो टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है कि कोवैक्सीन में ब्रॉड इम्यूनिटी होती है, मतलब ब्रॉड इम्यून कवरेज होता है। अब जबकि फेज 3 ट्रायल की बात करें तो कोविशील्ड ने देखा कि अराउंड 70% एफिकेसी है और कोवैक्सीन के ग्रुप में मतलब उसके फेज 3 के जो इंटरम रिजल्ट है वो बता रहा है कि अराउंड 81% एफिकेसी है। अब एक स्टडी जो अभी काफी सारे चर्चा में था, कोविड स्टडी, वो ऑनगोइंग स्टडी है, उसमें कुछ रिजल्ट्स है जिसमें ऐसा देखा गया कि कोविशील्ड में एंटीबॉडी टाइटर का लेवल और सीरो कन्वर्जन कोवैक्सीन से ज्यादा है और कोवैक्सीन वाले ग्रुप में जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे कि वैक्सीन के 2 डेज देने के बाद अगर इन्फेक्शन होता है उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, उसका प्रमाण कोवैक्सीन ग्रुप में कोविशील्ड से कम है। अब ये डिफरेंसेस है क्योंकि इसमें अराउंड 515 जितने हेल्थ केयर वर्कर्स को स्टडी किया गया, उनका एंटी स्पाइक एंटीबॉडी लेवल चेक किया गया अराउंड दोनों डोज वैक्सीन के 2 डोज के 21 to 36 डेज के बाद, और उसका एनालिसिस में ये पाया गया। अब क्या कोविशील्ड जिसको एंटी स्पाइक एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है या सीरो कन्वर्जन एंटी स्पाइक एंटीबॉडी का ज़्यादा है वो कोवैक्सीन से बेहतर है? तो आइए जानते हैं कि दो में से सिमिलरिटी क्या है। दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन दिया है तो ऑलमोस्ट वो स्टडी में देखा गया कि 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर कोविड रिक्वायरिंग वेंटिलेशन एंड डेथ फ्रॉम कोविड, मतलब कोविड से होने वाले डेथ से 100% प्रोटेक्शन मिला दो में से कोई भी वैक्सीन लो, और दोनों वैक्सीन सेफ रहा जिसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है। अब जबकि दोनों वैक्सीन सेफ है उसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से बेहतर है? तो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी है वो ऐसा उसका कोई लेवल नहीं हमको पता है कि जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर आपके शरीर में एंटी स्पाइक एंटीबॉडी इतना है कोई वैक्सीन के बाद तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दूसरा, हमारे शरीर में काफ़ी सारे एंटीबॉडीज होते हैं जिसमें दूसरा है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज कोविड वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और एफिकेसी देखने के लिए, तो उसका लेवल हमने नहीं किया है। तीसरी चीज़ कि अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कोविड से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल जो एंटीबॉडी ड्रिवन होता है जो हम एंटी स्पाइक एंटीबॉडी देखते हैं, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमको एंटीबॉडी नहीं होता लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर है हमारे में तो भी हमको कोविड के सामने प्रोटेक्शन मिलता है और लॉन्ग टर्म मिलता है, तो वो हम इसमें स्टडी नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात कि जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी है
वो हमको पता नहीं है कि एक बार वो पॉजिटिव आ गए वो कितना लंबा टाइम तक चलेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए। तो वो दूसरा डिफरेंस है। तीसरी बात, हमको वो पता नहीं है कि दो में से कौन सी वैक्सीन हमको जो कोविड वेरिएंट्स है मतलब म्यूटेटेड स्ट्रेन है जिसके सामने प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि इंडिया में जो डेल्टा स्ट्रेन चल रहा है वेरिएंट, उसके सामने कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हमको वो भी जानना जरूरी है कि जो जो वैक्सीन वेरिएंट के सामने ज्यादा इफेक्टिव है वो हमारे लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वेव में हमारे पास म्यूटेशन होकर नया वायरस आए या वेरियंट आए, तो हमारी वैक्सीन उसके ऊपर भी कितना इफेक्टिव रहती है वो भी जानना जरूरी है। तो जब तक हमारे पास कोई कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है कि एंटीबॉडी कितना होना चाहिए उसके ऊपर हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हमको वो पता नहीं है कि एंटीबॉडी कितना लंबा टाइम तक चलेगा, और तीसरा हमारे पास हेड टू हेड कंपेरिजन नहीं है और ऐसे स्टडीज नहीं है जिसको रेंडेमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, जो दोनों वैक्सीन के साथ कंपेयर करके कि हमको सुपीरियरिटी प्रूव कर सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है। लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि दो में से कोई भी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन सेफ है और वो लाइफ थ्रेटनिंग कोविड या कोविड सीवियर कोविड के सामने हमको 100% प्रोटेक्शन देता है। तो हम चाहेंगे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों के चॉइस में कोई कंफ्यूज हुए बगैर हम जो भी अवेलेबल है उनके दोनों डोज टाइम पर ले लें, तो हम डेफिनेटली सीवियर कोविड और डेथ फ्रॉम कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।